हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर 5, बहादुर वित्तू। तो ये एक पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था वित्तू। तो एक किसान था, किसान जो खेती करता है, फार्मर। उसकी जो बीवी थी, उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उसका नाम क्या था? वित्तू था। तो एक दिन किसान ने बित्तू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा। तो जो किसान था उसने अपनी पत्नी से, यानी कि बित्तू से कहा कि सुबह जब मैं खेत पर हल चला रहा था, खेत की जुताई करने चला, तो क्या हुआ? शेर ने आकर मेरे से कहा, मैंने एक शेर देखा पर उसने मेरे से आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसने क्या कहा कि किसान किसान जो तुम्हारे पास बैल है वह मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बित्तू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? उसने अपने जो किसान था किसान से पूछा कि तो अगर उसने ऐसा कहा तो तुमने क्या जवाब दिया उसे, क्या उत्तर, जवाब मतलब उत्तर, क्या उत्तर दिया? तो ये किसान है और ये किसान की पत्नी बित्तू है। तो ये पंजाबी ड्रेस पहनी हुई है, पंजाबी लोक कथा पर आधारित है, तो पंजाबी ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर पगड़ी है, ये नीचे ये ड्रेस इन्होंने पहनी है और ये बित्तू ने पहनी है। तो सब कहा कि तुमने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, मैं कहा तू यही रुक, मैंने कहा उससे कि तू यही रुक जा, मैं घर जाकर अपनी गाय लेके आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, मतलब अगर तू बैल ही खा जाएगा तो हम लोग तो भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तू को बहुत गुस्सा आया। ये बात जब उसने किसान की बात सुनी तो उसकी पत्नी बित्तू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो क्रोधित हो गई। तो उसने किसान को फटकारा, फटकारा मतलब डांट लगाई। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? उसने बोला कि जो घर की गाय है जो हमें दूध लस्सी देती है उसको तू शेर को खिला देगा, ये तेरे को तनिक भी शर्म नहीं आती क्या? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, अगर गाय चली जाएगी तो घर में ना दूध होगा और ना लस्सी, और बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? और बच्चों का भी सारा कुछ नहीं है, गाय है तो तभी सब कुछ दूध है लस्सी है वो भी उसी के साथ खाते हैं, तो फिर किसके साथ खाएंगे? बित्तू को एक तरकीब सूझी, तरकीब मतलब कोई उपाय, उसके दिमाग में कोई उपाय आया, एक विचार ऐसा आया। तो उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो मेरी बित्तू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान ने एक किसान की पत्नी थी जो बित्तू, उसने एक तरकीब सोची, उपाय निकाला कि तुम फौरन, फौरन मतलब होता है तुरंत या शीघ्र ही, तो शीघ्र ही खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तू, जो मेरी बित्तू है, तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान डरता डरता खेत के पास गया, उसने कहा शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मरियल मतलब होता है कमजोर, मरियल मतलब कमजोर, तो उसने उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो जो मेरी बीवी है बित्तू, इधर बित्तू है जो किसान की बीवी है, वो एक घोड़े में सवार है, सर पर पगड़ी और हाथ पर दराती है, और इधर शेर है और पीछे से किसान बैठा है। तो मेरी जो पत्नी है वो अभी तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है, ऐसा बोलना था। तो बित्तू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ मतलब पगड़ी बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। तो घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस कर रखा है, यानी कि मेरे लिए चार शेर पकड़ के रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? तो बित्तू जो है वो प्रश्न पूछती है कि बाकी कहाँ गए? तो फिर वह घोड़े से उतर कर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है, जो नाश्ता मैं करूंगी उसमें तो एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा, मतलब थरथराने लगा, बहुत ज्यादा डर गया था और भाग खड़ा हुआ, शेर बित्तू की बातों से भाग गया। यह देखकर बित्तू बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। तो उसकी जो पत्नी थी किसान की बोलती है, देखा इसे कहते हैं हिम्मत मतलब साहस, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। वो अपने पति किसान से कहने लगी कि तुम तो इतने डरपोक निकले कि जो घर में जो गाय थी उसको तुम उसे इतने उसके हवाले कर रहे थे,
और उधर मारे भूख के शेर की आंखें छटपटा रही थी, मतलब छटपटाना मतलब बेचैन होना, जो शेर था वो भूख से बेचैन हो रहा था। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है, बड़ी समस्या आ गई थी, बड़ी मुश्किल से तो मैं अपनी जान बचा के आया हूँ। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो जो किसान की पत्नी बित्तो है उसको शेर राक्षसी बोल रहा है, वो एक ऐसी राक्षसी से पला पड़ा कि उसको 4 शेर चाहिए नाश्ते में। तो यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, भेड़िए को हंसी आ गई। वह सुबह झाड़ी से झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था, सारे कारनामे उसने वो झाड़ी में छिपकर देखा। तो उसने कहा, भोली बात था, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, एक बार फिर से ट्राई करें, कोशिश करें, वह क्या थी, भेड़िया थी। तो अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर भी शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। शेर जो था बहुत समझाने के बाद शेर फिर से किसान के खेत में जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध दो, जो तुम्हारी पूंछ है उसे मेरी पूंछ से बांध लो, कि मेरी पूंछ से बांध दो कहा से। और दोनों जने जो हैं पूंछ बांध कर चल पड़े, दोनों पूंछ बांध कर चल पड़े आपस में, अपनी पूंछ बांध ली उन्होंने और आगे चल दिए। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास दूर हो गई, ये सब देखकर किसान के होश हवास मतलब बहुत ही आश्चर्य में हो पड़ गया, वो मतलब कुछ कहना ही नहीं आ रहा था, वह डर से थर थर कांपने लगा। फिर से किसान जो था वो डर के कारण बहुत घबराने लगा, कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। जो बित्तो थी उसकी पत्नी, क्योंकि बित्तो बहुत साहसी थी, हिम्मत वाली थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं डरी। तो भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, तो बिना बात के उससे बोलती, अभी तो तू वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ में 4 शेर को बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। वह भी मरियल था और ये शेर भी ऐसा है बिल्कुल कमजोर मरियल था, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। फिर बित्तो कहती है, क्या इसको खाकर मेरी भूख मिट सकती है, खैर इस वक्त, खैर छोड़ो इस वक्त, मतलब इस समय यही सही है। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। अब शेर के होश हवास उड़ गए, फिर से शेर परेशान, उसे मतलब बहुत डर गया वो। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, जो भेड़िया है उसने मुझे धोखा दिया है, ऐसा उसको लगा। वह फौरन वहां से भागा, वह फौरन मतलब तुरंत ही वहां से फिर भागा, उसको यकीन ही नहीं आया उसकी बातों पर, वो फिर से डर गया वो और भाग गया। तो भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, भेड़िया जो था बहुत चीखा चिल्लाया, अरे रुक जाओ ऐसा कुछ भी नहीं है, कितनी समझाने की कोशिश की उसने, लेकिन वो समझा नहीं। लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। तो किसान और बित्तो आराम से रहने लगे, जो किसान था और जो बित्तो थी वो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, वो उन्होंने उन्हें विश्वास हो गया था कि शेर बहुत डरपोक है, थोड़ा सा भारी भरकम आवाज से बोलने पर थोड़ा सा शेर डर जाता है, वो लोमड़ी के बहकावे में भी नहीं आया। तो बित्तो की तरह साहसी हिम्मती सबको होना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।